सही, पीवी का प्रोडक्ट को डॉट पर डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट रूल लगा के, नहीं बोलो का क्या मतलब है? एक मिनट, एक बोल लूं। तुमने बोला डीवी वॉल्यूम निकला है हवा का बाहर, मैंने तो नहीं बोला, तुमने बोला है जब वो डेल्टा एन मोल्स अंदर थे तब उनकी वॉल्यूम कितनी थी? वेसल की वॉल्यूम वी नॉट है। हाँ कितनी थी? वी नॉट। जब वो बाहर निकल गए एटमॉस्फेयर में तब उनकी वॉल्यूम कितनी है? इनफाइनाइट। तो प्लीज क्लैरिफाई जो आपने बोला कि डीवी वॉल्यूम, अपन मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद की बात कर रहे हैं अपन, फिर भी बहुत बड़ी तो है। यहां से जो एक मॉलिक्यूल निकला था तो हो सकता है सीधा सीधा भाग के मॉलिक्यूल की स्पीड देख लेना, तू 100 मीटर पर सेकेंड आती है, 1000 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया 1 सेकेंड में। डीवी किसकी वॉल्यूम है ये सवाल है मेरा। ये कहना कि इसमें से डीवी वॉल्यूम निकला है अपन पिछली क्लास में भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि गलत है, राइट? बस ये पूछ रहा हूं, डीवी किसकी वॉल्यूम है? डीवी मतलब सीडीटी, राइट? बोलिए। शाबाश। एक्चुअली डीवी किसी की भी वॉल्यूम नहीं है। इन डीएन मॉलिक्यूल्स को यदि हम चाहें कि ये पी प्रेशर लगाए टी टेम्परेचर पे, ये लगा नहीं रहे अभी, ये कितना प्रेशर लगा रहे जब अंदर है? जब ये अंदर है तो इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर ये है, राइट? ये पूरा पी प्रेशर नहीं लगा रहे, लेकिन हम चाहें कि ये डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स पी प्रेशर लगाए तो हमको इन डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स को जिस वॉल्यूम में बंद करना पड़ेगा वो वॉल्यूम इज सीडीटी या जो भी है सी डेल्टा टी, वहां लिखा उसमें C is the rate of volume flowing out with that rate being measured at the gas pressure attained by that moment. लिखा कि नहीं लिखा ऐसा? Got it? तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, लिखा उसमें पढ़िए उसने लिखा रखा C का मतलब। दूसरी क्वेश्चन ये हो गई, और जरूरत पड़े तो ये भी है एक अपने पास। वो डेल्टा एन मोल जब अंदर थे तब वो डेल्टा पी प्रेशर लगाते थे ना कि पी, इक्वेट कर दीजिए। P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा P V नॉट, डेल्टा V को लिख दीजिए सी डी टी, डेल्टा P को यदि DP लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो वाहियात किस्म के रिजल्ट आएंगे। आपका रिजल्ट आएगा कि टाइम के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पे क्या मिस्टेक हुई है।
ठीक है, नहीं आया समझ? बड़ा आसान है, डेल्टा पी पार्शियल प्रेशर है विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। डीएक्स जब भी हम लिखते हैं तो इट मींस एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो डीपी इज चेंज इन प्रेशर विच इज डेफिनेटली नेगेटिव। या फिर आप हर चीज बढ़ता हुआ मान के सॉल्व करिए तो कोई गलती नहीं होगी। गलती हम क्या कर रहे हैं, कुछ घटता हुआ मान के सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बढ़ता हुआ मान के सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए माइनस की गलती होती है। बेस्ट रहता है कि हम इसको ही बढ़ता हुआ मान ले, इसको ही बढ़ता हुआ मान ले, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। पर हमको मालूम हो घट रहा है तो एन प्लस डीएन लिखेंगे ना, क्योंकि डीएन खुद नेगेटिव होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके चलिए अभी पढ़ाते हैं, फिर बचे हुए बाद में लेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डेल्टा क्यू समझा चुके हैं शायद अभी तक, बस डेल्टा यू के बारे में कोई बातचीत नहीं करी थी। हीट ट्रांसफर जो है सिस्टम को वो है साइन। वैसे हमने शायद डेल्टा डब्ल्यू का तो समझा दिया था, वर्क डन बाय सिस्टम। डेल्टा यू का साइन पता नहीं समझाया था कि नहीं, राइट। तो डेल्टा यू गैस के लिए बात कर रहे हैं फिलहाल, वैसे इट मींस एनर्जी ऑफ सिस्टम, लेकिन हम यहां पे यदि गैस के लिए बात करें जहां पे केडीजी वैलिड है स्पेसिफिकली, तो डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा केडीजी की वैलिडिटी के अंदर सिंपली एफ एन आर डेल्टा टी बाय टू फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। कैसे? एक के लिए चेंज इन एनर्जी वॉज एफ के टी बाय टू, यही होती है एवरेज, एन एन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन ए इंटू के बिकम्स आर, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। और हमने एक अजम्पशन ले ही रखा है केटीजी में कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनकी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ओनली थिंग दैट पजेसेस इज काइनेटिक एनर्जी विच इज टेकन केयर ऑफ बाय राइटिंग इंटर एनर्जी एज एफ एन आर टी बाय टू फॉर एन मोल्स। एक के लिए कितनी थी एफ के टी बाय टू, राइट। यहां पे हम हर चीज गैस के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सोच रहे हैं, उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो दिस वुड बी लॉजिकली करेक्ट, राइट। बाकी नहीं तो इंटरनल एनर्जी का मीनिंग सही मीनिंग होता है टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम के पास है। गैस के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले गए तो ओनली एनर्जी दैट गैस पजेसेस इज मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है, जीरो। क्यों है जीरो? कोई फोर्स लगाते ही नहीं है, क्या बचती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। बढ़े आगे, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव। टेम्परेचर राइजेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, साउंड में ज्यादा देर नहीं लगती। अब यही पढ़ाना पड़ जाए वापस से, सबकी हालत ऐसी हो, ऑड मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ही नहीं पता हो, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा साउंड पढ़ाने में, नहीं तो उसकी स्टैंडिंग वेव तो दो मिनट का भी काम नहीं। बढ़ू मैं आगे, इंटरनल एनर्जी क्लियर है पक्का? ऑलराइट, आगे बढ़े। तो इंटरनल एनर्जी हमने बता दिया आपको, हीट बता दिया, वर्क का साइन बता दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा इन क्वांटिटीज को एक बार फिर से देखेंगे और डिटेल में समझेंगे, जैसे यहां डिटेल में समझा। चेंज इन डे समझ में आ गया,
अल्टीमेटली गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मीनिंग है नहीं. ओके सो वर्क डेल्टा डब्ल्यू. तो यहां पे वर्क का मतलब है वर्क डन बाय गैस, ये याद रखिएगा. वर्क का मीनिंग है यहां पे वर्क डन बाय गैस. वर्क डन बाय गैस इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर एक सिंपल सिस्टम लेते हैं, और पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हमारा एक सिस्टम ऐसा ही कुछ रहता है कि हमारे पास में एक चैम्बर है जिसपे हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ऑलराइट, और इस पिस्टन के ऊपर गैस के प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा. इसके मोशन की हम लोग बातचीत करेंगे, ऑलराइट. क्या इस पिस्टन पे सिर्फ गैस जो अंदर बंद है वही फोर्स लगा रही होगी पीए, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या हम? नहीं. इसके ऊपर हो सकता है करोड़ों और भी फोर्स लग रहे हो जो हमने यहां पे नहीं बनाया. हो सकता है इधर से एटमॉस्फेयर लगा रहा हूं, विच इज क्वाइट लॉजिकल. हो सकता है स्प्रिंग लगी हुई हो सकता है इसमें मैग्नेटिज्म डाल दे किसी तरीके से, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दे. हजारों तरीके फोर्स लगाने की हमें अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है. तो कोई भी फोर्स लग रहे होंगे और उनसे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब है गैस के फोर्स से और गैस के वर्क से. इतने दुख ऐसे टेंशन लेके परेशान होगी कुछ मत करो. कभी कभी मैं भी इरिटेट हो जाता हूं कि यार इतना बता दिया भाई. थे तो बहुत बेसिक चीज है, मेरे को डर लगता है और कितना पीछे जाऊं. अगली बार 2n+1 लिखू तो यही बताऊं n इज अ नंबर. फिर कोई तो लिमिट होती ना पीछे जाने की. ऑलराइट, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ ये प्रेशर कम है ज्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. लेकिन यदि ये बाहर गया तो गैस ने इस पे जो वर्क किया होगा दैट वुड बी इक्वल टू पी ए, दैट इज फोर्स इनटू डेल्टा एक्स विच बिकम्स पी डेल्टा वी. वर्क डन बाय गैस ढंग से लिखना चाहे तो बेस्ट तरीका इसको लिखने का होता है इंटीग्रल पी टीवी. राइट, इंटीग्रल पी टीवी. ठीक है, वर्क डन बाय गैस. गैस ने पिस्टन पे कितना काम किया, एक्सटर्नल उस पर कितना काम किया, ये हम लोग सोचते हैं. ठीक है, इसको देख के समझा जा सकता है, एटलीस्ट लिख लीजिए. नहीं समझा जा सकता है तो भी, यदि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा. एक्सपेंशन तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, कंप्रेशन तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव. वेरी वेरी इजी टू सी. क्यों? क्योंकि यदि ये बाहर जा रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे. अंदर आ रहा है तो फोर्स तो अभी भी बाहर ही रह गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया, हैंस नेगेटिव हो जाएगा. राइट, इसलिए जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क पॉजिटिव होगा. ठीक है, कंप्रेशन होगा तो वर्क नेगेटिव होगा. ये सिंपल सी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए. साइन ऑफ वर्क एक बार याद दिला दूं, हमने तीनों साइन आपको समझा दिए. टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट, हीट ट्रांसफर इज नथिंग टू डू विथ टेम्परेचर चेंज. क्या रटते रहते हो तुम, सिर्फ चूज करवाना होता है सफेद रंग के गधे कि स्लेटी रंग के गधे. तुम हमेशा चूज करते हो कि हाँ सर आज मैं सफेद रंग का हूं, गधा हूं. वो तो गधा ही, ये तो निश्चित है. हीट ट्रांसफर का टेम्परेचर चेंज से कोई लेना देना नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है जब हमने सिस्टम को दिया. इसका कतई मतलब नहीं है कि यदि हमने हीट दिया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही सही. दैट इज नॉट नेसेसरी, वो अलग स्टोरी है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर एनर्जी बढ़ेगी, ये हम कह सकते हैं. इंटर एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर घट रहा है चेंज इन इंटर एनर्जी नेगेटिव. हीट यदि सिस्टम को दी है नेट
तो पॉजिटिव, सिस्टम से रिजेक्ट हुई तो नेगेटिव, सिस्टम ने वर्क किया मतलब कि एक्सपेंशन हुआ तो वर्क किया है, हेंस पॉजिटिव, कंप्रेशन हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव। प्लीज ये साइन लिख लीजिएगा, इनके लॉजिक लिख लीजिएगा, इनकी पहचान लिख लीजिएगा, क्योंकि इन साइन पे ही गलतियां हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स से बड़े बड़े सवाल नहीं देने होते, बस इतना मारना, इतने से मारना काफी है उनका, छोटे मोटे तो ऐसे ही मर जाएंगे। अकील वकील जैसे लोग तो टेम्परेचर बढ़ा के वो हीट पूछ लेंगे, अकील तो गया, क्या हो गया ना? गलत बोल रहा हूं, गलत बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, अरे अब कुछ, अब तो मैंने इसको भी गधा बोल दिया, बैलेंस हो गया लेफ्ट राइट। ओके, बढ़े आगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। देखिए, सबसे आसान तो कोई भी इंटीग्रल का इवेल्युएशन कब होगा, जब हमें कोई पी एज अ फंक्शन ऑफ वी दे दे। यदि हमें कोई पी एज अ फंक्शन ऑफ वी दे देगा, यहां पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे और वर्क आ जाएगा। क्यों भाई नमन, हाँ कर सकते हो इंटीग्रेशन? क्या वो छोड़ दिया आपकी बात? अबे इंटीग्रेशन पढ़े कि नहीं पढ़े हो? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वर्क डन? राइट, लेकिन ये जबरदस्त जरूरी नहीं है ऐसे ही दें। आप यदि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आपको शायद पता हो कि यदि मैं ये दे दूं, राइट, तो ये बनाया जा सकता है। कैसे? पीवीसिकल टू एनआरटी, ठीक है कि नहीं? ठीक, हटा देंगे अपन, तो मतलब कोई भी दो वेरिएबल में हमें रिलेशनशिप मिल जाएगी तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट वर्क, राइट। यदि हमें कोई भी दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप हो, जो गैस के वेरिएबल्स होते हैं, अमाउंट तो कांस्टेंट मान के चलते, तो तीन ही बचते हैं, राइट, तो 3C2 मतलब तीन हो गए, राइट। पीवी दे दे, पीटी दे दे, वीटी दे दे, तो हम बना लेंगे, राइट, ठीक है। बड़े आगे, टेक्निकली इसको बोलते हैं इफ प्रोसेस इज नोन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस, राइट। पी एज अ फंक्शन ऑफ वी का टेक्निकल नाम है प्रोसेस। व्हेन यू नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन यू से वी नो द प्रोसेस। ओके, हमें प्रोसेस मालूम है, तो इसका मतलब जब हमें प्रोसेस मालूम है तब हम वर्क की कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स होगी, यहां पे पुट कर दिया आपने और सॉल्व कर लिया। आगे आएंगे प्रोसेसेस तब बता देंगे। कोई भी फंक्शन बन गया, यदि मैंने आपको लिख के दे दिया पी इज इक्वल टू वी नॉट, या पी नॉट ई की पावर माइनस के वी, इट्स अ प्रोसेस, इट इज अ वैलिड प्रोसेस। कोई भी फंक्शन, समझ में आई बात? तो टेक्निकली क्या बोलेंगे, जब प्रोसेस नोन होगा तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वर्क डन निकाल सकते। बढ़ू मैं आगे, सेकंड, इसी बात को जो हमने वहां मैथमेटिकली कही है उसको हम यहां पर इस डायग्राम के थ्रू जरूर समझेंगे। ऑलराइट, पीवी डायग्राम। ओके, ध्यान दीजिए, ग्राफ नहीं बोलते इसको, डायग्राम बोलते। अच्छा, ओके, बिकॉज ऑफ दिस एरो, एरो के बिना एक ग्राफ है। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, मैं बता सकता हूं। वर्क पॉजिटिव हो रहा होगा, ये लगा दिया वही ग्राफ, वर्क नेगेटिव हो रहा होगा। विदाउट एरो नहीं बनाते हैं। मुद्दा ये, मैं कि अपनी नॉलेज नहीं दिखाना चाहता हूं कि देखो मैंने ग्राफ डायग्राम का मतलब समझा दिया, मुझे क्या करना, ये दिखा के नॉलेज वॉलेज,
रहूंगा तो बारहवीं के मास्टर में कौन सा इज्जत मिल जाएगी मुझे कि भाई फिजिक्स में नोबेल लॉरेट हो गए तुम, अच्छा पढ़ा लिया तो राइट। लेकिन आपका फायदा हो जाएगा थोड़ा सा शायद कि बिना एरो के कभी मत बनाइएगा, मरेंगे नहीं तो बुरी तरह से। नेवर मेक इट विदाउट एरो, एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, प्रोसेस यदि सेम है तो ग्राफ तो वैसा ही बनेगा। अरे मैंने एक फंक्शन दे दिया तो पीवी का चित्र तो वैसा ही बनेगा ना, पता कैसे पड़ेगा पॉजिटिव वर्क की नेगेटिव वर्क? एरो से वॉल्यूम बढ़ रही है कि घट रही है, राइट। सो बहुत छोटी चीज है एरो, लेकिन आप भयानक रूप से अवॉइड करते हैं, भयानक रूप से। एफबीडी के जमाने से लोग अवॉइड करते हैं, फोर्स बनाना था एमजी में एरो बनाने में शर्म आती है, लाइन खींच के जैसे तो ना वो एरो बनाने का जो आधा सेकंड बचेगा उसमें आप बिलगेट से कंपटीशन कर रहे हो कि एक सेकंड में $100 कमाया तो $50 बचा लिए मैंने, साला एरो नहीं बना के। मतलब इस लेवल पे लोग डील कर रहे होते हैं। अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे उसके अंदर रे नहीं बनाते, नाम ही रे ऑप्टिक्स है और उसमें बना लो तो ये बनाते रे ऑप्टिक्स में, ये रे जा रही है। अब मतलब पहले जमाने में तो ना मैं तो अब तो खैर बहुत, ये तो मेरा शांत वाला वर्जन है, ये आज से 15 साल पहले मिलते ना तो 100 बार लिखवाता था मैं हिंदी में कि मैं सदा सर्वदा मुक्त अवस्था चित्र बनाकर की यांत्रिकी के हर प्रश्न को का हल आरंभ करूंगा, 100 बार हिंदी में लिखवा मैंने, सच में लिखवा मैंने। शाबाश, समझ में आया एरो? वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वर्क का साइन मालूम नहीं पड़ेगा, वैल्यू निकाल के बैठे रहोगे पागल टाइप्स, क्या करोगे उसका, साइन गड़बड़ हो गया सारा फर्स्ट का थोड़ा इसमें जो भी निकल रहे एवरीथिंग विल फेल। गॉट इट और नॉट? ऑलराइट। और व्हाट वुड बी द वर्क एरिया अंडर द कर्व, है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि वर्क नेगेटिव के लिए वी नेगेटिव होएगा या पी नेगेटिव होएगा, इसी क्वाड्रेंट में रहना है। तो कोई पागल बोले वर्क नेगेटिव के लिए प्रेशर नेगेटिव कर देता हूं मैं, कमी थोड़ी यहां पे मैथ से सोचने वालों की। तुम लिख लो, ये भी मालूम नहीं है तुम्हारा कुछ भी, लिखो दोनों पॉजिटिव होते हैं हमेशा, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर ऑलवेज पॉजिटिव, लिख लो ठीक है। तो यहां पे वर्क नेगेटिव के लिए आप कहीं और क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। सो डायग्राम एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक टिपिकल टाइप के सवाल होते हैं, आप लोग बोलेंगे तो करवा दूंगा, वो पीवी डायग्राम से पीटी बनाओ, टीवी से पीटी बनाओ, पीवी से कुछ बनाओ, कुछ से कुछ बनाओ, ऐसे बढ़िया टाइम पास होता है। राइट, बहुत है फेमस सवाल है कोटा के, एक डायग्राम देके दूसरा बनवाओ, बाद में करवा दूंगा ना, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ।